व्हाट्स गाइस, इवान है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैंने सोचा कि क्यू एन ए करते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट क्यू एन ए जो था वो था ऑलमोस्ट 2 साल पहले या 1 साल, 1.5 ईयर पहले। तो आज हम लोग क्यू एन ए करने वाले हैं। मैंने आपने इंस्टाग्राम पे पूछा था और यूट्यूब कम्युनिटी पेज पे पूछा था कि अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो, और आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे हैं, सो आज हम उनका आंसर करेंगे। और अगर आप अभी मुझे इंस्टा फॉलो नहीं करते हो तो आप वहाँ फॉलो कर सकते हो @ImanSinghIG पे। सबसे पहला सवाल है, कौन से स्टेट से हो? मैं बॉर्न यूपी में हुआ था, पर ज़्यादा टाइम में दिल्ली में ही रहता आ रहा हूँ, और अभी मैं नोएडा के अंदर हूँ। यू आर क्रिएटिंग ऑसम कॉन्टेंट, कीप इट अप ब्रदर, थैंक यू सो मच। अमिताभ सेट्टी पूछते हैं, वेन आर यू गोइंग टू बाय द ब्लैक मैजिक कैमरा? देखते हैं, 1 साल या फिर उससे कम, देखते हैं कैसे चलता है। और अभी मुझे ज़रूरत तो पड़ रही है, कुछ एस्पेक्ट्स के अंदर मेरा 200D मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, प्रोडक्ट वीडियोस और इन सब के अंदर। पर अभी मेरा कुछ ऐसा प्रॉब्लम दे नहीं रहा है कि मुझे अभी ही अपग्रेड करना पड़ेगा, और जो उसके अंदर जो फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स आफ्टर 12th? तो अभी मास कम्युनिकेशन मैंने सोचा है, और फिर साथ में ये फ्रीलांसिंग वाला ये करता रहूँगा कंटिन्यू। हाउ मच डू यू शेयर पर एड शूट? शेयर से मतलब शायद अमिताभ का चार्ज है, तो अभी मैं पब्लिकली तो बता नहीं सकता, पर इतना कि मैं एक फ़ोन ले सकता हूँ। नेक्स्ट कैमरा अपग्रेड्स डोंट शो माय नेम, ही ही ओके। तो अभी मैं सोच रहा हूँ सिग्मा का 17-50 परचेज करने का, पर फिर मेरे मन में ये भी है कि मैं यूज सिग्मा 18-35 भी ले सकता हूँ, पर अभी देखते हैं, यूज़ मार्केट में चेक करना पड़ेगा कितने में मिल रहा है, क्या मिल रहा है। और अगर कैमरा बॉडी की बात करी जाए तो मैं ब्लैक मैजिक पॉकेट सिनेमा कैमरा 4K देख रहा हूँ। व्हाट इज़ योर ज़ोडियक साइन? मुझे खुद याद नहीं है। PC specs, Ryzen 5 1600, 16GB RAM, 3000 MHz, पर अभी वो नीचे पे चल रही है 2666 पे। GTX 1050 Ti, उसको भी मैं शायद अपग्रेड कर लूँ, पर मैं देख रहा हूँ मुझे GPU की इतनी ज़रूरत पड़ नहीं रही है। मे भी शायद फ्यूचर में पड़ेगी, पर अभी मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ नहीं रही है, तो मैं शायद ना अपग्रेड करूँ उसको। और फिर वही 500GB स्टोरेज और 256GB SSD। iOS और Android, अब मैं अभी तो करंटली Android ही यूज़ कर रहा हूँ इस फ़ोन के अंदर, तो मुझे ठीक लग रहा है, पर iOS के अंदर कुछ फीचर्स है जो मुझे एंड्रॉयड में नहीं अच्छे लगते हैं। और फिर iOS थोड़ा क्या, काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड है एंड्रॉयड से। अगर मैं खुद के पैसे स्पेंड नहीं करूँगा तो मैं iOS की तरह जाऊँगा, क्योंकि आईफोन महंगे होते हैं, पर अभी मैं एंड्रॉयड से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। टिप्स ऑफ प्रोडक्ट फोटोग्राफी स्पेशली जुगाड़, 500 डिफ्लेक्टर रखो यहाँ पर, मतलब मैं इस प्लेन में दिखा रहा हूँ, और फिर यहाँ पर टेबल, यहाँ से सनलाइट 500 डिफ्लेक्टर के थ्रू जाएगी, और फिर वो आपके प्रोडक्ट को सामने से लाइट करेगी तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। आप अंगद काय सिंह का वीडियो देख सकते हो, उसने भी शायद वही किया था उस वीडियो के अंदर। बेटा बॉडी वर्सेस वैरायटी ऑफ चीप लेंजेस, देखो डिपेंड करता है, अगर आप प्रोडक्ट वीडियो शूट कर रहे हो मतलब स्टूडियो के अंदर बैकड्रॉप्स के अंदर, तो लेंजेस का इतना कोई फ़ायदा होता नहीं, बस आपको एक शार्प लेंस चाहिए, और आजकल ऑलमोस्ट सारे अच्छे लेंजेस शार्प ही हैं, जैसे 18-55 काफ़ी शार्प है। अगर आप ऐसी चीज़ शूट करो जहाँ पर आपको ऑप्टिकल क्वालिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप बॉडी फुल ऑन पैसा बॉडी पर डालो। सॉरी डार्लिंग, इट्स ओके। सॉरी डार्लिंग, इतनी अर्ली स्टेज पे इतना परफेक्शन नॉलेज कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, और दूसरी बात, मैंने अभी ही 1 साल में वीडियो बनाने सीखा है। मैं ऑलमोस्ट 2015 से यूट्यूब पे कुछ ना कुछ डालता जा रहा हूँ। शुरुआत के 3 साल ऐसी नौटंकी डाली मैंने, फिर मैंने 2016 के एंड के अंदर फिल्मोरा डाउनलोड किया, पहले मैं मूवी मेकर पर एडिट करता था, तो फिल्मोरा डाउनलोड किया मैंने, फिर मैंने ऑलमोस्ट उसको 2019 के स्टार्टिंग तक यूज़ किया। 2019 मार्च अप्रैल में मैंने प्रीमियर प्रो सीखा, और फिर तब से मैं प्रीमियर के ऊपर ही हूँ। और मैंने भी रिसेंटली 2-3 महीने पहले आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट किया है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में इनकॉर्पोरेट करा है मैंने, तो वही इतना। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियोज़ बनाते जाते हो, तब आपको समझ आने लगता है कि क्या चीज़ चलेगी, क्या चीज़ नहीं चलेगी, और क्या चीज़ अच्छी दिखेगी वीडियो के अंदर। तो वैसे ही परफेक्शन ला सकते हो, पर वैसे ही मैं परफेक्शन के क्लोज भी नहीं हूँ। भाई, फ्रॉम विच एज यू स्टार्टेड फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी? अब ये है विवेक सिंह से क्वेश्चन, और यूज़र नेम काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहा है। तो मैंने सबसे पहले वीडियो बनाना स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 2015 में। मेरा सबसे पहला यूट्यूब वीडियो 2015 में अगस्त 25 को शायद, तो तब हम लोग, मैं और मेरा दोस्त ऐसे नॉर्मल वीडियो बनाते थे, और फिर मैंने अपना खुद का टेक चैनल स्टार्ट किया था 2017 में। तो उसके लिए मुझे बी रोल शॉट्स और ये सब लेना सीखना पड़ा था, तो मैं MKBHD और इन सबसे इंस्पिरेशन लेता था। तब मुझे हल्का फुल्का आइडियाज़ आ गया था, और थोड़ा बहुत गियर भी मैंने ख़रीदा था, वैसे कुछ ज़्यादा खास नहीं था वो। और फिर मैंने 2019 में थोड़ा बहुत ये पार्कर वॉलबैक डैनियल शिफर देखना स्टार्ट किया, तो मुझे इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट आने लग गया, और अब मैं वही चीज़ कर रहा हूँ जो वो लोग कर रहे हैं, बस काफ़ी ज़्यादा छोटे स्केल के ऊपर। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ योर नेम इवान?
क्या ISHD वापस आएगा? Hey, what is up guys? ISHD here, और आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको ये कबाड़ी ऐसा फोन। नहीं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तीन सवाल है हमारे यश दोस्त की तरफ से, यश भटनागर नहीं, दूसरा वाला यश। हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स हैव यू डन? अगर मैं गिनूँ, अगर मैं मल्टीपल्स ना गिनूँ तो ऑलमोस्ट 7 के आसपास, मल्टीपल्स गिनोगे तो 10-11 बन जाएगा। और हाउ डिड योर फ्रीलांसिंग करियर, मुझसे शायद यश ये बोलना चाहता कि स्टार्ट कैसे किया। तो सबसे पहले हुआ क्या था कि सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा फिल्म मेकिंग करियर कुछ सालों के अंदर नहीं बना है, ये मैं रिसेंटली 4-5-6 महीने से कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट अगस्त या सितंबर के अंदर मेरे दोस्त अथर्व को किसी ने कांटेक्ट किया था कि मुझे कुछ वीडियो बनवाना है, और फिर उन्होंने अथर्व ने मुझे रेफ़र किया कि अथर्व उस टाइम फ्री नहीं था और अथर्व के पास तब गियर भी नहीं था, तो अथर्व ने मुझे रेफ़र किया, फिर मैंने उनके लिए वीडियो बनाया। और फिर वही स्नोबॉल इफेक्ट हो जाता है, अगर आप एक के लिए बनाते हो, एक दूसरे को बताता है, दूसरे तीसरे को, तो धीरे धीरे आपका एक पाइल क्रिएट हो जाता है क्लाइंट्स का, जो सबको बताते हैं और बढ़ा। और ऐसे ही डिड यू बाय ऑल गियर्स विद योर मनी? तो शुरुआत में अभी जो कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने नहीं लिया, क्योंकि तब तो मैं 10 रुपये भी नहीं कमाए थे। कैमरा मेरे पेरेंट्स ने दिलाया मुझे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट परचेज जो बिग परचेज थी वो थी लाइट, तो लाइट मैंने खुद ली है। और गिम्बल में मैंने आधा करा अपना कंट्रीब्यूट और आधा पेरेंट्स ने, और फिर मेजर तो यही है गियर, बाकी सब छोटा छोटा है, वो सब तो मिक्स जो भी मैं लेता हूँ या फिर उस टाइम जो भी अवेलेबल होता है मेरे पास पैसे उनसे ले लेता हूँ, बाकी ये मेरा मेजर गियर तो 3-4 चीज़ें ही हैं। नेक्स्ट यस का वापस है, हाउ कैन अदर मेक फ्रीलांस करियर लाइक यू? तो आप ये सवाल थोड़े बड़े स्केल वाले लोगों से पूछो, क्योंकि मैं जो टिप्स बताऊंगा वो मेरे लिए काम करी, तो वो शायद आपके लिए काम ना करे, पर मैंने बताई जो टिप्स कि मैंने एक इंसान के लिए बनाया। और अगर आपके पास अभी कोई इंसान नहीं आया लेके कि मुझे बनवाना है आपसे वीडियो, तो आप खुद बनाओ वीडियोस, इतने अच्छे वीडियो बनाओ, ये नहीं कि क्लाइंट नहीं देख रहा है तो मैं कुछ भी बना देता हूँ, इतने अच्छे वीडियो बनाओ, खुद के पैसे स्पेंड करो उसके ऊपर सामान खरीदने में, क्योंकि वो आपके पोर्टफोलियो में जाने वाला है, तो वो आपको अपना थोड़ा इतना लेवल पे तो बनाना ही पड़ेगा कि वो अच्छा दिखे। नेक्स्ट है फोटोट्रॉनिक्स का क्वेश्चन, डू यू हैव अ प्लान टू ड्रॉप स्टडीज़ एंड हाउ आर यू एबल टू अपलोड सो मच विद स्टडीज़? तो सबसे पहला सवाल, डू यू प्लान ड्रॉपिंग स्टडीज़? तो नहीं, इंडिया के अंदर आप ये सब नहीं कर सकते और ये सब काम नहीं करता है। और दूसरी चीज़ है, हाउ आर यू एबल टू अपलोड सो मच? तो मैं एक वीडियो जो है वो ऑलमोस्ट 2 आवर्स के अंदर पूरा वीडियो कंप्लीट कर सकता हूँ, तो वही है, 2 आवर्स आपको सब अलग करने हैं। तो दूसरे जो लोग फ्री टाइम में गेम वेम खेलते हैं, मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, ये सब कर लेता हूँ, तो वही है टाइम मैनेजमेंट। और फिर आज का लास्ट सवाल जो है वो एलन की तरफ से, तो हम लोग पहले इंस्टा पे बात कर रहे थे, तो मैंने बोला कि मैं Q&A के अंदर आंसर कर देता हूँ, तो एलन बोलता है मेरा क्वेश्चन तुम्हें पता है, तो मैं बताता हूँ कि एलन का सवाल क्या था। सो व्हाट वुड यू रेकमेंड मी, लाइक आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट, मुझे एक बंदे के यूट्यूब फिटनेस कमेंट बनाना है, कॉन्टेंट बनाना है, प्लस एक होम बेकर के लिए वीडियो बनानी है, सो आई एम बिट हाउ टू चार्ज देम। सो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि हाउ डू आई स्टार्ट वाले का सवाल। तो सबसे पहले अगर मैं एलन का पेज देखूँ, एलन के पेज से पता नहीं चल रहा कि एलन बनाता क्या है, वीडियोज़ बनाता है, क्या करता है, वाटर ड्रैग, फिर BLR शायद बैंगलोर का होता है ये, और या फिर कुछ और होगा, करेक्ट कर सकते हो आप मुझे कमेंट के अंदर। फोटोग्राफी एलन रॉ यूट्यूब। मेरे दोस्तों के पेज देखो, जैसे शायद 447 क्लिक्स का पेज देख लो आप, या वेमो का पेज देख लो, या मेरा पेज देख लो, तो हम लोग क्लियरली स्टेट करते हैं कि हम पेड शूट्स करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। तो अगर आप 447 का पेज देखोगे तो 16 मतलब एज पता चल गई, फोटोग्राफी कहाँ पर है, इंडिया, और हरमन ने स्पेसिफाई कर दिया कि वो फोटोग्राफी करता है, वो फोटोग्राफी क्रिएटिव, आई एम अ क्रिएटिव, ये सब नहीं लिखना है आपको, आपको स्पेसिफाई करना है कि आप करते क्या हो। फिर एडिट्स एंड शूट्स, तो DM डाल रखा है, और फिर वही इनका 447XVMO, तो वो उनका हैशटैग है। मेरा पेज देखोगे तो पहले मैंने अपना नाम डाला हुआ है, इवान सिंह फिल्म मेकर, और फिर 16-year-old, और मैंने इंडिया का फ्लैग डाल दिया, इंडिया, और फिर -NCR मतलब दिल्ली NCR के रीजन के अंदर में, और फिर कमर्शियल वर्क फॉर ब्रांड्स एंड इंडिविजुअल्स, तो वहाँ से लोगों को पता चल जाता है कि मैं कमर्शियल और ये सब बनाता हूँ, और फिर DM/email फॉर वर्क, और फिर मैंने अपनी हाइलाइट्स के अंदर पोर्टफोलियो का एक वो बना रखा है, इंस्टाग्राम का गाइड का फीचर है, तो उसके अंदर मैंने अपने सारे पेजेस में सारे वर्क डाला हुआ है।
तो एलन ने अपनी खुद की काफ़ी फ़ोटोज़ डाली हैं, तो अब बंदा सोचते हैं कि एलन मॉडल है या क्या है, सिर्फ दो वीडियोस डाली हैं। और फिर जब तक आप क्रिएट नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप वीडियोस बनाते हो। तभी मैंने पेज पे अपनी कोई वीडियो नहीं डाली है, नॉन रिलेटेड कोई वीडियो नहीं डाली है, नॉन रिलेटेड कोई फ़ोटो नहीं डाली है। और नौटंकी के लिए मैंने अलग पेज बनाया हुआ है जहाँ पर मेरे सिर्फ दोस्त लोग और बहुत क्लोज फ्रेंड भी फॉलो करते हैं। और फिर आपको फ्री वर्क करना है, आपको जो ब्रांड्स पसंद हैं आपके लोकल में, आपके जो दोस्त लोग होंगे उनके लिए वीडियोज़ बनाओ, उनके लिए कॉन्टेंट बनाओ, अपने पेज पर डालो, प्रमोट करो, रील बनाओ उसकी। और फिर जैसे तैसे करके आपके पास लोग आएंगे, रीच आउट करेंगे, आपको नहीं रीच आउट करते तो आप उनको रीच आउट करो कि मैं आपके लिए फ्री वीडियो बनाऊंगा एक्सचेंज में कि मैं आपका प्रोडक्ट ले लूं। और सेम चीज़ मैं अभी कर रहा हूं। सो गाइस, आई होप आपको मज़ा आया होगा, एंटरटेनमेंट मिला होगा। और आप में से काफ़ी लोगों ने वोट किया था कि आपको ये थोड़े फन टाइप वीडियोज़ चाहिए, तो होपफुली आपको फन टाइप वीडियो मिल गया होगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।